नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है OnePlus Nord C3 Lite 5G और हम देखने वाले कि आप किस तरीके से अपने इस फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हो और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। जैसे कि आपको पता होगा, इस फोन में आपको मिलता है गूगल का डायलर। तो अगर आप जाओगे फोन ऐप के सेटिंग्स में, यहाँ पे है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले होती है एक अनाउंसमेंट जिसमें कहा जाता है कि आपके जो कॉल से रिकॉर्ड हो रहे हैं तो सामने वाला इजीली जान जाता है कि आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो जब आप कॉल्स को रिसीव करते हो तब आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलता है रिकॉर्ड का ये ऑप्शन, ये रहा रिकॉर्ड। आप इस पर टैप करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे लेकिन सामने वाले को होगी एक अनाउंसमेंट। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में बिना किसी अनाउंसमेंट के कॉल्स ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो अपने इस फोन में। तो उसके लिए आपको ओपन करना है प्ले स्टोर को, सर्च कीजिए ओ डायलर, तो आपको मिलेगा ये ऐप ओ डायलर जिसमें लिखा होगा कलर ओएस। तो ये ओप्पो ने ही डेवलप किया है, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी फोन्स के लिए। तो आपको इसे करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है, ओके कीजिए, ओ डायलर पे कीजिए सिलेक्शन, सेट एज डिफॉल्ट पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन को। तो ओ डायलर ऐप सेटअप हो चुका है। अब ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, कॉल रिकॉर्डिंग में। तो आप तीन तरीके से अपने कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, एक तो रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, सभी कॉल्स को रिकॉर्ड करना हुआ तो इसे ऑन कीजिए। अगला है रिकॉर्ड अनोन नंबर्स, तो ऐसे एक नंबर के कॉल को रिकॉर्ड करना जो आपके फोन में सेव नहीं है, तो आप ऐसे अनजान नंबर के कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो ऑटोमेटिकली, तो आपको इसे ऑन करना है। और अगर आप चाहते हो कुछ पर्टिकुलर नंबर के ही कॉल्स को रिकॉर्ड करना तो आपको इस पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप करके आपको उन कॉन्टैक्ट को ऐड करना है। जो कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे ऐड करोगे उसी कॉन्टैक्ट से अगर कोई भी कॉल आएगा तो उसी के कॉल्स रिकॉर्ड होंगे आपके फोन में। हालांकि अब मैं करूंगा रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, मतलब कि सभी कॉल्स को मुझे रिकॉर्ड करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो गूगल डायलर है उसे रिमूव करना है यहाँ से, तो हम करेंगे रिमूव और इसके प्लेस पे आपको ऐड करना है ओ डायलर को। तो डायलर को ऐड कीजिए होम पेज पे जहां पे था गूगल डायलर वहां पे। तो अब अगर आप कोई भी कॉल को रिसीव करोगे तो आपको मिलेगा ऐसा प्रीव, और अगर आप इसे करोगे एक्सेप्ट वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए फर्स्ट टाइम। आप अगर इसे एक्सपैंड करोगे टैप करके तो आप देख पा रहे हो जो कॉल रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, और जब ये स्टार्ट होता है तब यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती। अगर आप स्टॉप करोगे या स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जाता कि जो कॉल से रिकॉर्ड हो रहे या रिकॉर्ड होना स्टार्ट या स्टॉप हो चुका है। तो आप अपने फोन में बिना किसी अनाउंसमेंट के काफी इजीली कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाओगे और वो भी ऑटोमेटिकली। जब चाहे तब आप यहाँ से स्टॉप कीजिए, जब चाहे तब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और आपके जो भी कॉल्स रिकॉर्ड होंगे अगर आपको उन्हें देखना हुआ आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स को, तो आपको फोन ऐप को ओपन करना है, ऐप पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग का आइकन, आपको उस पर टैप करके रिकॉर्डिंग को प्ले करना है इस तरीके से। और इसे करोगे एक्सपैंड तो आप देखोगे यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है, और जब स्टार्ट होता है तब यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी। या फिर अगर आप जाओगे माई फाइल्स में, ऑडियो में, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉन्टैक्ट का नाम होगा सामने और यहाँ पे होगा डेट और टाइम। तो इस तरीके से आप अपने OnePlus Nord C3 Lite 5G में सभी कॉल्स को कर सकते हो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड, और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।